गरु कुछ बीमार सी हो गई है, कोल्ड हो गया इसको ट्रैवलिंग में, रात को ट्रेन में लगता है इसको हवा लग गई है। अभी आपको भीड़ दिखाता हूँ मैं, कैसी भीड़, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ चल रहा है। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आपको पता ही है कि पिछले ब्लॉग में हमने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां हम घूमने करने आए हैं। अभी तक शायद आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि कहां है, अगर नहीं पता लगाया तो अभी बता देते हैं हम इस टाइम है हरिद्वार में। अभी हम निकल रहे हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसके लिए गरु बहुत देर से टेंशन में थी कि कब जाएंगे, साल हो गया था। तो यहां बहुत ही फेमस दक्ष मंदिर है हरिद्वार में, तो वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत कुछ है इस बारे ब्लॉग में, तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी आप देख पाएंगे जो हमारे बहुत ही औसम ब्लॉग्स आने वाले हैं। और सिर्फ हरिद्वार ही रुकने वाले नहीं, हम बहुत कुछ है हमारे पास। तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए, सब लोग वेट कर रहे हैं बाहर, मौसा जी हमारे को छोड़ने जा रहे हैं स्पेशली। तो ये हमारी पूरी फैमिली रेडी, मैचिंग कपड़े पहन के हम लोग, मौसा जी लॉक करते हुए। चलो ये भी जाएगा हमारे साथ में, नया दोस्त गरु का। हेलो, हमारी सवारी UK। बैठो अपनी अपनी जगह पे, सब बन जाएगा, बैठो आप, कोई चक्कर नहीं। ये हमारे घर के आसपास का इलाका है। गरु यहाँ कब घुमाओगे हमारे को? बहुत ही जल्दी, अगले व्लॉग में हम शायद यहाँ का टूर करेंगे, जो सोसाइटी है यहाँ पे, ये बहुत ही सुंदर जगह है। चलो बैठते हैं, वरना मौसा जी बोलेंगे तुम यही बनाते रहो व्लॉग, लेके नहीं जाएंगे हमारे को। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दक्षेश्वर मंदिर के गेट पे, ये बहुत ही प्यारा, सब संतरी भगवा कलर दिखने वाला है यहाँ पे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। गरु कुछ बीमार सी हो गई है, कोल्ड हो गया इसको ट्रैवलिंग में, रात को ट्रेन में लगता है इसको हवा लग गई है और ये हो गई है बीमार। अभी जैसे ही हमने दक्ष मंदिर में एंट्री करी है, सामने शिव जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनी हुई है। ये देखो, आपने सुनी होगी दक्ष के बारे में जो भी कहानियाँ हैं शिव जी से रिलेटेड। और ये रहा इसका मेन मंदिर, अभी हम अंदर जाने वाले हैं। पापा मम्मी गए हैं पूजा का सामान लेने के लिए, दक्षेश्वर भोजनालय यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद। ले लिया प्रसाद? चलो, गरु ने अपना गेटअप ले लिया है, चुन्नी डाल ली है सिर पे, स्टार्टिंग हो रही है लॉयंस से, गेट पे पहरा दे रहे हैं शेर। बहुत ही सुंदर मंदिर। अब आ गया हमारा जूता घर में आ गए हम लोग, अपने जूते उतार रहे हैं सब लोग, कर दो जमा। और सबसे बड़ी बात रखी कि जूते चप्पल अगर चोरी हो गए तो कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। गरु अगर जूते चप्पल चोरी हो तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, दोबारा नए लेने पड़ेंगे। हाँ पहले, हाँ दो लो जूते उतारे तो वो रह गया था मेन काम, पा बोलते पहले हाथ तो धो लेते हैं। अभी जा रहे हैं हम, नल ढूंढ रहे हैं, वो देखो देसी हैंडपम्प। ये आप लोगों को गांव में ही दिखेगा, पानी नहीं है पर इसमें ये भी सूख गया है, कलयुग का प्रकोप आ गया इसके ऊपर। बहुत ही सुंदर चलचित्र बने हुए हैं, ये सारा मंदिर का देख सकते हैं आप। ये भाई साहब दिख रहे हैं, रेयर बंदा जिसने मास्क लगाया, पर वो भी थोड़ी पर लगाया है, बाकी किसी ने नहीं लगाया। अरे वो देखो, ये जनता बहुत ही समझदार है, इन्होंने लगा रखा है मास्क, मंदिर में मास्क लगाना अनिवार्य है। गरु ने भी लगा रखा है वैसे तो हमारी साइड से, बाकी किसी ने लगाया हमारी टीम में। गंगा जी के प्रथम दर्शन करते हुए लोग, ये लो भाई आ गए, यहाँ से भी गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं, दक्ष मंदिर से भी। पापा और मम्मी उतर चुके हैं, जय हो गंगा माता की। हाथ पैर धोने के लिए गंगा खुद ही आ गए हैं, पानी की कमी नहीं होगी। गंगा जी के प्रथम दर्शन कर लो भाई, बाकी हरी की पौड़ी में दिखाएंगे आपको। पापा कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? लाइन लगी हुई है, लाइन में लग जाओ। मम्मी रुक नहीं रहे, मम्मी पहुँच गए हैं, लाइन में लग गए हैं। मंदिर प्रवेश द्वार में एंट्री करते हुए दर्शन हो गए हैं दक्ष मंदिर के, और हमारा जो पूजा पाठ था वो भी हो गया है। गरु की आखिरकार जो विश थी एक साल से वो पूरी हो गई है, समझता कि शादी के बाद आऊँगी मैं ज़रूर, तो अभी हमने वो कर लिया है। बहुत टाइम हो गया, मैं भी 15-16 साल पहले आया था, गंगा जी को देखा था वहाँ, तो वही नहीं जा रहे हैं अभी, तो गरु निकलते हैं अभी वहाँ के लिए। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अभी मुझे पता लगा है कि इकलौती सी जगह जहाँ पे नंदी के साथ में आपको कछुए जी के दर्शन होते हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है वो मुझे पता नहीं है, अभी पता करनी पड़ेगी क्या है कछुए और नंदी जी की स्टोरी, गरु को भी नहीं पता है वरना ये बता देती मुझे। तो फिर बाय बाय दक्ष मंदिर, फिर आएँगे कभी, वहाँ लेंगे सेल्फी। पहले दर्शन हमारे हो गए हैं बढ़िया से, फ़ोटोशूट भी हो गया है, और अभी गरु को दवाई दिलानी सबसे पहले, इसको बहुत तगड़े वाला कोल्ड हो गया है। हाँ ये बीमार है लड़की अभी, है इसका कल वाला टूर जो वो खतरे में इस टाइम।
अगर ये ठीक होगी तो ही जाएगी। हरिद्वार की गलियों में घूमते हुए बहुत दिनों बाद गांव वाले एरिया में घूम रहे हैं और मेरी फर्स्ट ट्रिप है ये हरिद्वार घूमते हुए। गरु अच्छे से हमारे को घुमा नहीं पा रही, वैसे यही लोकल गाइड थी मेरी और लोकल गाइड बीमार हो गया, अभी पापा है हमारे लोकल गाइड, वही घुमाएंगे हमको कहाँ कहाँ जाना है। गरु को दवाई दिला दी है, खिला भी दी है पहली डोज और अब रिक्शे में बैठ गए हैं। रिक्शा वाला गायब है, पर जिसका रिक्शा है वो गायब है, ये आ गया। चलो हरी की पौड़ी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हरी की पौड़ी पे और अभी आरती का टाइम 5:30-6 बजे होता है, तो अभी 5:30 बजने वाले हैं। हमें फटाफट से अपनी जगह घेरनी पड़ेगी वरना संडे रश हो जाएगा और फिर भीड़ में मज़ा नहीं आएगा। परफेक्ट प्लेस देखनी पड़ेगी ना, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। चलो मिलवाता हूँ गंगा जी से आपको, ये देखो। बहुत तगड़े वाली भीड़ है इस टाइम यहाँ पे, एक तो ये भी कम है बोल रही गार्गी, पर अभी क्या है कि संडे है, ऊपर से आरती का टाइम हो गया है तो इसलिए शायद रश और बढ़ गया है। अभी आपको भीड़ दिखाता हूँ मैं, कैसी भीड़, ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ चल रहा है, इतनी भीड़ लग रही है। तो गाइज ये देखो यहाँ पे, ये इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है आरती देखने के लिए, ये रश सारा है। और ये वाला गेट बंद कर दिया है भीड़ की वजह से, आर्मी आ गई है, अभी हमें घूम के जाना पड़ेगा वहाँ से। तो अभी हमें एक बाईपास रोड बताया है कि हमें ये पुल जो है ऊपर, ये पुल पार करके हमारे को जाना है उस साइड जहाँ पे घंटा घर है, वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ से दिखेगी हमारे को जो आरती स्टार्ट होने वाली है। भीड़ बहुत बढ़ चुकी है, बैठने को जगह मिलने वाली नहीं है, देखने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने देख लिया गंगा जी की आरती, गरु सबसे आगे थी, छोटी हाइट थी तो आगे चली गई थी, तो इसने पास से वीडियो बना दी है। अभी हम हरी की पौड़ी पे आ गए, यहाँ पे स्नान होता है, तो अभी हम दिया बहाने वाले हैं अपनी मन्नतों का, तो अभी मम्मी गए दिया लेने के लिए। तो हमारा दीप भी बहा दिया हमने और अच्छे से पूजा होगी हमारी, अब निकल रहे हैं घर के लिए वापस।
और मौसा जी को करते हैं फ़ोन, या फिर देखते हैं अगर ऑटो मिल गया तो हम ऑटो से निकल जाएंगे, वरना फ़ोन करना पड़ेगा। अभी गरू को भूख लगी है, बोल रही है कि खाना जब खाएंगे वो बाद की बात है, कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। तो पापा बोल रहे हैं बढ़िया दुकान थी जहाँ पे हमने इस वीडियो का थंबनेल भी खींच लिया है, वहीं जाके अब अंदर हम कुछ हल्का खाने वाले हैं, कॉफ़ी सैंडविच वगैरह देखते हैं, बाकी गरू को जो अच्छा लगेगा वही लेंगे। नाश्ता हमने कर लिया था, गरू बोलती मोमोज खिला दो मैं ठीक हो जाऊँगी, दवाई से कुछ नहीं होगा। अभी खा के हम गंगा किनारे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, नज़ारे ले रहे थे जरा हम गंगा जी के, तो अभी हमने कर लिया, अब निकलते हैं घर के लिए। गाइज हमारा टूर हो गया कंप्लीट अभी का, अभी हमने बहुत कुछ घूमा आज हरिद्वार में, मेन तो गंगा जी की आरती जो हम देखने वाले थे तो वो बड़े अच्छे से देखी हमने, रश तो होता ही है फिर भी हमको जगह मिल गई थी, आप लोगों को हमने अच्छे से दिखा दी। अभी सामान ले रहे हैं गरु की, क्या थोड़ी तबीयत ख़राब है तो सूप वगैरह ले रही है वो। अभी हम घर के बाहर उतरे हैं जस्ट, अभी अंदर चलते देखते हैं मौसी ने क्या बनाया होगा डिनर में स्पेशल हमारे लिए। ये हमारी मौसी जी, मिल नहीं पाए थे आप लोग सुबह, मौसा से मिलवा दिया मैंने सुबह, बहुत घूमे हमारे द्वारा आज, स्वागतम। बहुत घूम लिया, हम थक गए थे तो अब मौसी ने हमारे को दिया है फ्रूट सैलेड, गरु को थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, कल का दोबारा से टूर भी करना है ना, थोड़ी ताकत चाहिए उसके लिए, नहीं करोगे? करना है ना, खाओ अच्छे से सैलेड, हम भी खा लेते हैं। फ्रूट सैलेड पार्टी ख़त्म हो गई हमारी, अब नई डिश की पेशकश होगी है, ये आलू भुजिया गरु को पसंद है, साथ में कॉफ़ी और मीठा भी है अगर खाना हो तो, और जिसको कोल्ड हो वो एक चम्मच विक्स भी डाल देगा इसमें, मिला के खा सकता है। मौसी जी कुछ ना कुछ ढूंढ के ला रहे हैं, फिर से लाए हैं कुछ, ये सब मठियां हैं, क्या बात है, तोशे हैं और बिस्किट हैं, बहुत सारी वैरायटी नाश्ते में हमारे पास। तो गाइज अभी एक नई बात का पता लगा है गरु के बारे में, अभी हम चाय नाश्ता कर रहे थे तो मौसी ने बताया हमारे को कि गरु 3 साल की थी तो इसको गंगा नहाने ले गए थे दादाजी इसके, और वहाँ इसको डुबकी लगवाई थी, तो इसने पूरे घर में हल्ला डाला था यहाँ पे आके कि दादाजी ने मुझे आज मारने की, जान से मारने की कोशिश की है, पूरा हल्ला डाल रखा था इसने, बहुत डरती थी नहाने से, बहुत छोटी थी उस टाइम के चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत डर गई, बस बस कोई नहीं डर गए थे। तो आज हमने सारा घूम लिया हरिद्वार में, जो जो मतलब मेन था, हरि की पौड़ी, गंगा जी की आरती और दक्ष मंदिर जहाँ जाना था गरु ने, पूजा पाठ थी वो भी कर दी हमने। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब सब लोग लग गए हैं अपना डिनर बनाने की तैयारी में, तो हम लोग भी उन्हीं को ज्वाइन कर रहे हैं, अभी गप्पे वगैरह चल रही हैं। अब कल हमारा प्लान है, कुछ नया एडवेंचर प्लान कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो वो कल सुबह आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।